जब रिंकल्स आ जाते हैं तो हमारा फेस बहुत ही बुरा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की एज ज़्यादा हो गई है तो आप लोगों को रिंकल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। किस तरीके से अप्लाई करनी है सारा प्रोसीजर इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। दिस इज मी खुशबख्त खान और मेरे चैनल का नाम है खुशबख्त खान। चैनल पे पहली बार आए हैं तो kindly सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो आज मैं अपने तमाम फ्रेंड्स के लिए, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए क्या लेकर आई हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी। रेमेडी किस चीज़ के लिए है? रेमेडी है आप लोगों के फेस पर अगर रिंकल्स हैं तो उन रिंकल्स को आप लोग बहुत ज़्यादा ईजीली अपने घर पर ही रिमूव कर सकते हैं। किस तरह रिमूव करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, आपको आपके किचन में से ही तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ आप लोगों को नहीं बताती जो आप लोगों के किचन में अवेलेबल ना हो। तो चीज़ें सारी आप लोगों के किचन में ही होंगी। फेस पर जब रिंकल्स आ जाते हैं तो हमारा फेस बहुत ही बुरा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की एज ज़्यादा हो गई है तो आप लोगों को रिंकल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात रिंकल्स की वजह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी होता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें रिंकल्स हो जाते हैं। हम लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते धूप में जाने से पहले, तब भी हमें रिंकल्स हो जाते हैं। तो रिंकल्स की बहुत सी वजूहात हैं। आजकल टीन एज में भी लोगों को रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की एज ज़्यादा हो रही है तो आप लोगों को रिंकल्स आएंगे। अगर आप लोग अपनी प्रॉपर केयर करते हैं और अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, रीज़न होती है हम लोगों की खुराक अच्छी ना हो, हम लोगों की डाइट अच्छी ना हो, हम लोग वॉक नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर जो है वो अच्छी खुराक नहीं खाते। लड़कियां जो होती हैं वो अपने वेट की बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। वेट कम करना हर किसी को चाहिए और हद से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए वेट। इतना भी नहीं हो कि आप लोग अपना वेट बहुत हद से ज़्यादा कम कर लो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए लेकिन अपनी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप लोग अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे, आप लोग जब 40 के हो जाएंगे आपको तब भी रिंकल्स नहीं होंगे। शर्त यह है कि आप लोगों ने अपनी केयर करनी है, प्रॉपर केयर करनी है। और जिस तरीके से आप लोगों को मैं आज जो रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ, ये रेमेडी आप लोगों ने कब कब अप्लाई करनी है, किस तरीके से अप्लाई करनी है सारा प्रोसीजर इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। किचन में जाकर आप लोगों को बताऊंगी। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके फ़ायदे की तमाम वीडियोस मिलने वाली हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए किचन में चलते हैं, आप लोगों को रेमेडी बताती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है गुड़, इंग्लिश में इसको जैगरी बोलते हैं। जैगरी में मिनरल्स, जिंक और सिलेनियम पाया जाता है जो आपके डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, प्रीमैच्योर एजिंग को रोकता है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों की स्किन के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, पिंपल्स को ख़त्म करता है। इसमें पाया जाने वाला ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, एक्सफोलिएट करता है और आपकी जो हीलिंग होती है, स्किन कहीं से ख़राब हुई होती है उसको ठीक करता है। आप लोगों ने जैगरी को क्रश करना है, 1 टेबल स्पून जैगरी लेनी है और एक छोटा सा टमाटर आप लोगों ने लेना है। उसकी स्किन को पील करके आप लोगों ने इसका पल्प निकालना है। पल्प निकालने के बाद ये होना चाहिए 1 टेबल स्पून। और हमें थर्ड नंबर पर क्या चाहिए, हमें चाहिए शहद। आप लोगों के पास कोई सा भी शहद हो आप लोग 1/2 टीस्पून ले लीजिए शहद। क्वांटिटी को याद रखिएगा। पोटैटो स्टार्च हमें चाहिए 4th नंबर पे। अगर आप लोगों के पास पोटैटो स्टार्च नहीं है तो आप इसमें पोटैटो जूस भी शामिल कर सकते हैं।
1 टेबलस्पून आप लोगों ने भर के स्टार्च के लेने हैं, पोटैटो स्टार्च के, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा पैक बन जाएगा। जब ये अच्छा सा पैक बन जाएगा फिर आप लोगों ने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है आगे वीडियो में देखिए। तो व्यूअर्स, हमारा पैक हो गया है रेडी, और आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने किस तरीके से इस पैक को रेडी करना है। तो मैं पैक ला चुकी हूँ अपने साथ, अब इसको आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो पैक हमारा आ चुका है, अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना है ये फेस पैक। चेहरे को अच्छी तरीके से आप लोगों ने जो सोप यूज करते हैं सोप से वॉश कर लीजिए, जो लोग फेस वॉश यूज करते हैं फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फेस को ड्राई होने दीजिए। फेस जब आप लोगों का ड्राई हो जाएगा तो तब आप लोग ये वाला पैक अप्लाई करेंगे। पैक अप्लाई करना है, ठीक हो गया। 30 मिनट्स के ये पैक आप लोगों ने अपने फेस पर लगा रहने देना है। 30 मिनट्स आप लोगों के फेस पर ये लगा रहेगा। 30 मिनट्स के बाद आप लोगों ने ठंडे पानी के साथ, बिल्कुल जो चिल्ड वाटर होता है बर्फ वाला पानी, उससे आप लोगों ने अपने फेस को वॉश करना है, ठीक हो गया। इस वाले पैक के बेशुमार फायदे हैं। इससे आप लोगों के रिंकल्स तो गायब हो जाएंगे, इससे आप लोगों को वाइटनिंग भी होगी, आप लोगों का जो फेस है वो वाइट भी हो जाएगा, आप लोगों के फेस में एक बहुत जबरदस्त ग्लो आएगा, जो कि आप लोगों को हाइलाइटर से ग्लो आते हैं, आप लोगों को हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ये फेस पैक अप्लाई करना है 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स वॉश योर फेस विद चिल्ड वाटर, ओके। कोई सोप यूज नहीं करना, कोई फेस वॉश यूज नहीं करना, ऐसे ही आप लोग अपने फेस को वॉश कर लेंगे। इसको आप लोगों ने अप्लाई कब कब करना है, आपने इसको रोज अप्लाई करना है। 15 डेज तक लगातार इसको आप लोगों ने अप्लाई करना है डेली, ठीक हो गया। 15 डेज के बाद आप लोगों ने इसको 2 दिन छोड़कर अप्लाई करना है। जब 15 डेज आप लोग लगातार इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद आप लोगों ने 2 दिन बाद इसको अप्लाई करना है, यानी 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन अप्लाई करेंगे, फिर 2 दिन छोड़कर फिर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। दिन ब दिन आप लोगों के फेस में शाइनिंग, व्हाइटनिंग और आपके जो रिंकल्स हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को पिगमेंटेशन का इश्यू है वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड़ ऐसी चीज है जो अंदर से तो आप लोगों की बॉडी के लिए बेहतरीन है ही, इससे आप लोगों की स्किन भी बड़ी हसीन हो जाती है अगर आप लोग इसको फेस पर अप्लाई करते हैं। खाने के लिए तो इसके बेशुमार फवायद हैं, जो मैं आप लोगों को अभी गिनवाना बैठूंगी ना तो घंटों की वीडियो बन जाएगी, और जो आप लोग नहीं देखेंगे तो इसलिए मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती हूँ, जिस चीज के लिए वीडियो बनाती हूँ उसी के बारे में बात करती हूँ। इसलिए आप लोगों ने ये रेमेडी इस तरीके से बनाकर इसी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करनी है और चेहरे को वॉश कर लेना है, ठीक हो गया। चेहरे को वॉश करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रोज वाटर का स्प्रे लेना है, और रोज वाटर का स्प्रे आप लोगों ने अपने फेस पर करना है, दैट्स इट। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं अप्लाई करना, ठीक हो गया। मैंने जो ये पैक बनाया है आप लोगों ने ट्राई करके जरूर देखना है। जिनको भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं जरूर आप लोग ये ट्राई करके देखें, आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ढेर सारे सपोर्ट करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।